हरे कृष्ण। कई बार जो नए नए भक्त जुड़ते हैं वो ये कहते हैं कि ये माला वाला पकड़ना हमको अच्छा नहीं लगता, ये हमारे आजकल के स्टाइल में मैच नहीं करता है, या फिर लोग हमें अजीब प्रकार से देखते हैं। तो ये जो काउंटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है या आजकल मोबाइल में ऐप आते हैं, उनमें जप नहीं कर सकते क्या? ये माला पकड़ के जप करना जरूरी है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। शास्त्र कहते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, कि शुरुआती स्तर में हम सब जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, नए नए भक्त हैं, हमको संख्या पूर्वक नाम करना चाहिए। वैसे भगवान का नाम गिनती करके करना भी जरूरी नहीं है, यानी कोई जरूरी नहीं कि हम माला पर या काउंटर पर किसी पे भी गिने, ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहना चाहिए बिना किसी गिनती के, तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन शुरुआती स्तर में क्या होगा, अगर हम एक माइलस्टोन नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हमारा मन जो है हमें धोखा दे देगा। पहले जब मैं डेटा साइंटिस्ट था तो हमारे एक सीनियर बहुत अच्छी बात बोलते थे, नो रिपोर्टिंग मीन्स नो बिजनेस। तो अगर आप एक छात्र हैं और अगर आपके पास कोई माइलस्टोन्स नहीं है कि आज इस हफ्ते मैंने इतनी पढ़ाई करनी है, इस महीने मुझे इतने सिलेबस कंप्लीट करना है, और जिसको आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकें और दूसरे को रिपोर्ट कर सकें, तो आप कभी अच्छे से स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। इसी प्रकार से आप एक बिजनेसमैन हैं, एक दुकानदार हैं, और आपको पता ही नहीं कितना सामान आ रहा है जा रहा है तो कैसे चलेगा, तो गणना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से शुरुआती स्तर में अगर हम हमारा जप, हमारी साधना माइलस्टोन्स के हिसाब से नहीं करेंगे, कुछ पर्टिकुलर संकल्प नहीं रखेंगे, तो मन हमें बेवकूफ़ बना देगा। अरे बहुत पढ़ाई हो गई, चलो अब खेलने चलते हैं, अरे बहुत भक्ति हो गई, आज के लिए इतना काफ़ी है, नहीं। इसलिए हमारे जो गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमारे जो वैष्णवगण हैं और अल्टीमेटली हमारे दीक्षा गुरु, हमें एक संख्या देते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला जप करनी है जिसको भी दीक्षा लेनी है, तो कम से कम 16 से ज़्यादा करोगे तो बहुत अच्छा है, दिन भर करो, लेकिन कम से कम इतना तो करना ही है। तो इस प्रकार से गिनने का महत्व बहुत अधिक है शुरुआती स्तर पर। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जीवन मुक्त सा उच्चते, जो मुक्त पुरुष हो गए हैं, उनको माला पे करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही भगवान का नाम ही ले रहे हैं 24 घंटा। लेकिन हमें उनकी तरह उन्हें इमिटेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई में, रियलिटी में तो हमारा उतना कृष्ण से प्रेम अभी है नहीं, तो इसलिए गिनना जरूरी है। तो ये जो माला पे जप है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बहाने हमारी उंगलियों को या हमारी बाहरी इंद्रियों को हम भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए चैंटिंग या जप करते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है नाम को शुद्ध रूप से कहना और उस नाम को सुनने का प्रयास करना, जो काफ़ी कठिन कार्य है। आप अगर लंबे समय तक तो कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कुछ मंत्रों के बाद मन में कुछ ना कुछ ख्याल आ ही जाता है। अरे ये कार जा रही है, अरे पंखा तेज चल रहा है, ओ आज रात को मुझे ये शॉपिंग करनी है, बहुत सारे विचार आ जाते हैं। तो फिर से मन को उस विचारों से हटा के मंत्र में लगाना पड़ता है, जो एक कठिन अभ्यास है। तो ये हमें प्रयास करना है, धीरे धीरे हमारे मन को सही गति पे लगाना, सही दिशा पे लगाना आसान होता जाएगा। तो ये जो कार्य है ये ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से माला पर होता है, तो काउंटर पे भी इसको कर सकते हैं। अगर हम कोई कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं, कोई ऑफिस में जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे माला का प्रयोग मुश्किल है, या जैसे इस्कॉन के बहुत सारे भक्त जो विदेशों में इस्लामिक कंट्रीज वगैरह में रहते हैं जहाँ पे मुश्किल है, या फिर इस्कॉन के ऐसे कुछ भक्त होते हैं जो ऐसे कुछ देशों में रहते हैं जहाँ पर आप खुले में माला का प्रयोग नहीं कर सकते कुछ राजनीतिक कारणों से, तो वहाँ पर भी जो है लोग काउंटर का प्रयोग करते हैं, तो वो चलेगा। लेकिन सामान्य रूप से हो सके तो माला का प्रयोग ही करना चाहिए, और जो दीक्षित भक्त हैं उन्हें अपनी माला पर ही जप करना होता है। इसलिए काउंटर पर जप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। शक्ति माला या काउंटर में नहीं है, शक्ति मंत्र में है, लेकिन जितना हो सके पारंपरिक रूप से माला के द्वारा करेंगे, और आगे चल के जब गुरु आपको तुलसी की माला देते हैं तो तुलसी भगवान की विशेष शक्ति है, विशेष उनकी संगनी है, तो उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। हरे कृष्ण।